अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में सब ठीक रहे, खुश रहे हमेशा। आज जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान ने मैच विन किया है न्यूजीलैंड से। 400 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तानी टीम का साथ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अचीव किया। बारिश ने बहुत मदद की। फिर हमने भाई से कहा कि आप कुछ लेकर आएँ, वो बाहर से हमारे लिए रेशन सैलेड लेकर आए, मिक्स सैलेड लेकर आए। मेरी सिस्टर ने इसको, क्योंकि ये स्वीट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए स्पाइसी और स्वीट दोनों को मिक्स किया एक बॉल में, ताकि मीठे का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाए, क्योंकि इतना मीठा नहीं खाया जाता। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल लेवल का खाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाते। वैसे भी इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। जैसा कि आपको पता है, आज का दौर चल रहा है कि मिनट में किसी को कुछ से कुछ हो जाता है। ठीक है, मैडम मिक्स कर रही थी, इसके बाद इसने बच्चों से कहा कि जाके बॉल लेकर आओ, ताकि मैं तुम सबको डाल कर दूँ। बच्चे बहुत एक्साइटेड आपको बॉल लेकर आए। इसने बच्चों को, मैडम ने कहा चले पहले मैं चेक करती हूँ, मैं बताती हूँ कि कैसे। फिर इसने कहा कि हाँ बहुत अच्छी है। फिर इसने बच्चों के बॉल बनाए। जैसे कि आपको पता है कि सब घर में ये रवाज है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कहते हैं उसको ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा मिली है, मुझे नहीं ज़्यादा मिली। इसने सबको डाली और सबको फिर उनके बॉल दिए। अब बच्चे ले रहे थे, फिर इसने कहा कि अच्छा चलो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसे। तो इसको बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी यमी लगी। तो इसने कहा कि चलो जी। अब मैंने कहा चलो मैं सबसे रिव्यू लेती हूँ। अब मैं भांजी के पास गई, उसने कहा कि खाला बहुत टेस्टी है। मैंने कहा चलो थम तो दिखाओ, ताकि पता चले कि टेस्टी है अभी कि नहीं। फिर मैं छोटे के पास, उसने भी थम दिया, उसने कहा बहुत टेस्टी है। तो मैं अपनी भांजी के पास गई, वो फीडर पी रही थी। मैंने कहा चलो बताओ किसे खा के कैसे। उसने कहा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मेरे भाई के पास, उन्होंने कहा हाँ सच में बहुत टेस्टी है। मैंने कहा आपको तो टेस्टी लगने, क्योंकि आपके तो पैसे लगे। लीजिए देखिए, हमने कितने मिनट स्पीड में हमने सब कुछ खा के बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया, जैसे हमने यहाँ तो कुछ आया ही नहीं था। ये होता है छोटी छोटी खुशियों को बड़े तरीके से इंजॉय करना।